कोरोना महामारी के चलते पूर्ण विश्व पिछले दो माह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण सभी तरह के व्यापार पर भारी असर पड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के होटल और रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट मालिकों की माने तो इस बार हर मांगलिक कार्य, समारोह और आयोजन निरस्त होने और लॉकडाउन के कारण व्यापार पूर्ण रूप से ठप हो गया है। सरकार की गाइडलाइन अनुसार रेस्टोरेंट पर सिर्फ पैकिंग कर ग्राहकों को दे रहे हैं, वहीं होटल्स पिछले दो माह से पूर्ण रूप से बंद हैं। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित हुए लॉकडाउन ने जहां गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया, वहीं लॉकडाउन की मार से व्यापारी वर्ग भी खासा परेशान नजर आ रहा है। 45 दिन के लंबे अंतराल के बाद गृह मंत्रालय ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों को छूट देते हुए समस्त प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति तो दे दी, लेकिन बाजार में व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। रविवार को डीसीएन लाइव की टीम ने बाड़मेर शहर के रेस्टोरेंट और होटल व्यापारियों से उनका हालचाल जाना तो सामने आया कि दोपहर 12 बजे रेस्टोरेंट खोले जाते हैं, लेकिन मंदी की मार से रेस्टोरेंट व्यापारी भी काफी चिंतित हैं। व्यापारियों के अनुसार प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक रेस्टोरेंट और होटल्स को खोलने की अनुमति दी है, साथ ही पैकिंग खाना और होम डिलीवरी की भी हिदायत दी गई है। व्यापारियों के अनुसार होटल्स में भोजन करने पर रोक लगने के चलते रेस्टोरेंट व्यापार ठप सा हो गया है। दोपहर के भोजन या शाम 5 बजे तक इक्के दुक्के ग्राहक जरूर लगते हैं, लेकिन पैकिंग भोजन के कोई खास ऑर्डर नहीं मिल रहे। इक्का दुक्का ऑर्डर को होम डिलीवरी किया जा रहा है। व्यापारियों की माने तो लॉकडाउन के बाद से रेस्टोरेंट व्यापार ठप सा हो गया है। अंदर तो है ही नहीं कुछ, 25-25% रहा धंधा जो पहले था उससे, और अंदर बैठ के हम खाना खिलाते नहीं है। ऑर्डर नहीं है गवर्नमेंट का, पैकिंग सुविधा देते हैं उसमें है नहीं धंधा। पैकिंग में कितने कस्टमर आ जाते हैं पूरा दिन में, पहले की अपेक्षा में तो 15-20% आते हैं अभी। तो कुल मिला के कहा जाए तो अभी धंधे के हालात क्या है आपके? बिल्कुल कुछ नहीं हालात, घर बैठे थे और यहाँ बैठे हैं बस। और जो आपकी होटल्स है वो अभी आप खोलते हो या वो पूर्ण बंद है? होटल्स पूर्ण बंद है। तो कितने दिनों से? इतने दिनों से पूर्ण रूप से लॉकडाउन, हाँ होटल पूरे बंद है। तो ये रेस्टोरेंट में आपके स्टाफ वगैरह था वो भी कुछ बाहर के अगर गए हैं तो उसमें भी कुछ कमी आई है आपके स्टाफ में? बिल्कुल स्टाफ में भी कमी आई है। निर्देश ये मिले ओनली आप टेक अवे और सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हो, बाकी यहाँ कस्टमर को बैठा के नहीं खिला सकते और नहीं हम खिला रहे हैं। जो भी प्रशासन का आदेश है निर्देश अनुसार वो काम कर रहे हैं। जो भी गेस्ट आता है 6 बजे से पहले उनको सिर्फ पैकिंग देते हैं और बाकी होम डिलीवरी देते हैं तो होम डिलीवरी उनको पहुँचा देते हैं। गिराकी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है? अगर 45 दिन तो पूर्ण बंद था, 10 दिन से खुली है, तो इन 55 दिनों में क्या है गिराकी का, वो बताएं। गिराकी तो अभी कुछ नहीं है, आप समझ लो 10% भी मुश्किल से हो जाता है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने लॉकडाउन घोषित करते हुए रेस्टोरेंट और होटल्स के खोलने पर रोक लगा दी थी, वहीं एहतियात के तौर पर बाहरी भोजन ना करने की हिदायत प्रदेशवासियों को दी जा रही थी। 45 दिन के बाद इन्हें फिर से खोलने की अनुमति तो दी गई, लेकिन लोगों के दिलों में बैठे कोरोना संक्रमण के भय ने बाहरी भोजन और खान पान को कम कर दिया। यही कारण है कि रेस्टोरेंट और होटल्स व्यापार इन दिनों काफी प्रभावित चल रहा है, जिसका खामियाजा रेस्टोरेंट और होटल व्यवसायियों को भुगतना पड़ रहा है।